मैं जमील अहमद फार्मर द जर्नलिस्ट अयोध्या उत्तर प्रदेश से। आज हम आए हैं यहाँ सब्जी की खेती होती है बड़े पैमाने पर, जैसे कि अरबी और धनिया की मिक्स खेती है और भिंडी है, नेनुआ भी है, इसके बारे में जो भी जानकारी अभी हमको मिलेगी वो फिर आपको बताएंगे। साथियों देख लें, ये है अरबी और धनिया की मिक्स खेती, इन्हें मेड़ पे बुआई किया हुआ है। सबसे पहले मिट्टी की जांच कराना चाहिए, मिट्टी के जांच में इसमें पीएच मान 5 से लेकर के 7 पे होना 7 होना चाहिए। और ये जो है इन्होंने फरवरी में इसे जो है इसका लगाया था और इसमें मान लो लगभग 1 एकड़ में ये हर साल इसी तरीके से खेती करते हैं। और ये नरेंद्र देव से बीज लेके आए थे। ये किसान ने बुलाया था हमको, लेकिन ये मौके पर मौजूद नहीं है, लेकिन बुआई इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से किया हुआ है। और इन्होंने बताया कि इसमें कम से कम नहीं तो 1 लाख रुपए के आसपास के ये भिंडी धनिया बेचेंगे, गर्मी में इसका अच्छा रेट मिल जाता है। और ये नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ से नज़दीक पड़ता है, उसी के वहीं से बीज लेके आए थे। और इसकी तैयारी उन्होंने गोबर का खाद खूब डाला, इनके पास पशुपालन का भी है मामला, अच्छी खेती है मेड़ द्वारा। इसकी सिंचाई ध्यान रखिए कि गर्मी के सीज़न में 8 से 10 दिन में पानी देना चाहिए। और हालांकि साल में 2 बार बुआई जाती है, एक उधर बारिश मौसम में, दूसरी ये फरवरी मार्च में। तीनों ने इसकी बुआई किया था फरवरी में, ये देखिए मेड़ द्वारा किया हुआ है। ये करीब 190 दिन के आसपास में फसल तैयार हो जाएगी अरवी की। धनिया ये एक्स्ट्रा ले लेंगे और अभी नमी इसमें बरकरार है। तो साथियों ये पहले खेत की खूब तैयारी किया इन्होंने, गोबर की खाद डाल करके इसमें जो है उन्होंने बताया कि इसमें 1 एकड़ में ये 8 ट्राली गोबर की खाद डाले हैं। तो कुल मिलाकर के इत्तेफाक की बात है किसान से मौके पर मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन उन्होंने जो हमको बुलाया था लेकिन मौके पर थे नहीं, सब शादी विवाह का सीज़न चल रहा है। बहरहाल सबसे पहला है कि ये मिट्टी भी जो है अच्छी है यहाँ की, और ये गोबर भी खूब का खाद भी खूब डाला हुआ है, और धनिया साथ में ले रखा है इन्होंने। और इसका मिट्टी का जो है हमने पहले ही बता दिया आपको, इसका तो पीएच मान 5 से 7 होना चाहिए, बहुत उचित है। और ये देख सकते हैं आप, पहले इसकी धनिया बोएंगे, 8 से 10 दिन में पानी देना चाहिए। तो अभी किसान है नहीं मौके पर, लेकिन फिर भी जो हमको जानकारी है मैं बताया था कि मैं नरेंद्र यूनिवर्सिटी से बीज लेके आया था इसको। और मेड़ पर बुआई करने से फ़ायदा है कि पूरा नाली नाली में सिंचाई कर देते हैं, और तो 3-4 महीने के अंदर कम से कम 2-3 लाख रुपए कमा लेंगे धनिया और अरबी मिला करके। तो बाकी एक दूसरा वीडियो जब बनाएंगे तो जब मौके पर रहेंगे तभी बनाएंगे। फिलहाल आप इससे प्रेरणा ले सकते हैं कि धनिया और अरबी दोनों के साथ में खेती किया है इन्होंने, और अभी दिखाते हैं हम आपको इस सब्जी की खेती बहुत अच्छी करते हैं। ये देखिए ये लाइन से जो है इन्होंने भिंडी की बुआई भी किया हुआ है। ये भी जो हमने कास्ट बताया, जो प्रॉफिट बताया, सिर्फ अरबी और धनिया की, ये देख लें कुल मिलाकर के किसान के पास अगर साधन है अपना है या भाड़े का है साधन पानी वानी का,
तो गर्मी की खेती में सब्जी में की अच्छी खेती है। भिंडियाँ भैया कम से कम में कई महीने तक फूटेंगे, भिंडी में फलियाँ आनी शुरू हो गई हैं। तो भिंडी बगल में है इनके, तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगर आप लोगों के ये जानकारी धनिया भिंडी और अरबी की खेती अगर आपको अच्छी लगे तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कोई अपनी तरफ से सलाह देना हो तो कमेंट में बताएं। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय विज्ञान।